हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हम कह रहे थे एग्जांपल ऑफ 7.1 एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज ट्राई करेंगे 7.1। लास्ट एग्जांपल रहता है ये, देखिए एग्जांपल 9th इज यूज द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस एफ एक्स एज ए पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन। यानी ये जो पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, इसको आपको एक्स माइनस वन की पावर में एक्सप्रेस करना है। एफ एक्स हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं। देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एज, कैसे लिखेंगे हम, ए वन एक्स माइनस वन कितने डिग्री की है, फोर डिग्री की, तो यहाँ से हम इसकी डिग्री लगाएंगे फोर, प्लस ए टू एक्स माइनस वन क्यूब, फिर स्क्वायर टर्म आएगी ए थ्री एक्स माइनस वन स्क्वायर, प्लस ए टू एक्स माइनस वन पावर वन एंड सॉरी ए फोर, और लास्ट में ए फाइव एक्स माइनस वन रेज टू पावर ज़ीरो, और ये हमारा वन हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये एफ एक्स फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने इन द पावर ऑफ एक्स माइनस वन। तो हमें यहाँ से ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए एंड हम इसमें पुट कर देंगे वापस। ठीक है, अब जो ये पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स, जो आपके पास स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हमें किसकी पावर बतानी है, एक्स माइनस वन की। देन एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन आएगी। देन बाय सिंथेटिक डिवीज़न लगाएंगे एफ ऑफ एक्स पे, कोफिशेंट लिखिए फाइव माइनस थ्री वन वन एंड वन, वन से हम सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे, फाइव एज इट इज़, फाइव इंटू वन इज फाइव, एडिशन टू, देन टू थ्री एंड थ्री फोर एंड फोर एडिशन आ जाएगी फाइव, फर्स्ट रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट फिर से वन से कीजिए, चाहे तो आप बार बार लिखिए, चाहे हम इसी वन से दोबारा से करते जाएंगे, फिर से वन से करते हैं, जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में एक टर्म नहीं रह जाती हमारी। ओके, फाइव इज एज इट इज़, फाइव वन जा फाइव सेवन, ऐड करेंगे इन दोनों को, फिर सेवन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन, ऐड करेंगे टेन एंड टेन, और यहाँ पर आ जाएगा फोर्टीन। नेक्स्ट टाइम फाइव एज इट इज़, फाइव वन फाइव ट्वेल्व ट्वेंटी टू। नेक्स्ट इज जब तक एक टर्म नहीं रह जाती तब तक आप करते जाएंगे, फाइव एज इट इज लेंगे, फाइव वन जो फाइव एंड ये आ जाएगा सेवन, एंड फिर से करेंगे हम फाइव वन जो, यानी ये एज इट इज ही आ जाएगा फाइव। ओके, जब तक एक फर्स्ट टर्म एक टर्म नहीं रह जाती तब तक आप इसको सिंथेटिक डिवीजन करते जाएंगे वन से। ओके, अब हमें चाहिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव की वैल्यू। नाउ जो लास्ट टर्म है दिस इज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव, हमें यहाँ से ए वन से स्टार्ट नहीं करना, या जो सबसे बिलो में आई है, सबसे नीचे टर्म आई है उसको आप ए वन लेके चलोगे, सेकेंड ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव, देन इन वैल्यूज को पुट कीजिए इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, देन सेकेंड इक्वेशन बिकम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए वन की वैल्यू फाइव एक्स माइनस वन रेज टू पावर फोर, ए टू इज अ सेवनटीन एक्स माइनस वन रेज टू पावर क्यूब, प्लस ए थ्री की वैल्यू ट्वेंटी टू एक्स माइनस वन स्क्वायर, एंड ए फोर इज फोर्टीन प्लस फोर्टीन एक्स माइनस वन, प्लस ए फाइव इज फाइव, और एक्स माइनस वन रेज टू पावर हमारा जीरो, एक्स माइनस वन रेज टू पावर जीरो वन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने वो पॉलिनोमियल निकाल दी जिससे हमने एफ एक्स को लिखा है x माइनस वन की पावर में। ठीक है, तो 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एंड कन्वर्सली आपको प्रूव करना है। ये थ्योरम मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना।
सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट है, इसके मैं आपको 2 पार्ट करवा रही हूँ, बाकी जो मुश्किल मुश्किल है वही मैं आपको करवा रही हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसको डिवाइड करना है 2x-3 से। रिमाइंडर एंड क्वेश्चन चाहिए, हम बाय सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, क्योंकि x का कोफिशियंट यहाँ पे 2 है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x-3/2 हो जाता। ओके, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, देन हम x-a यानी कि इस फैक्टर को देखते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए देखिए कैसे करना है। x-3/2 है तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3/2। आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 3/2 से। कोफिशियंट लिखते हैं, 4 डिग्री की पॉलीनोमियल गिवन है, 4 डिग्री का कोफिशियंट इज 2, यहाँ पे 3 डिग्री की टर्म जो हो, 3 पावर की टर्म मिस है, उसको हम लेंगे 0। देन 2 डिग्री की -5, 11 एंड -7। ओके, 2 एज इट इज, 3/2 एंड 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एडिशन करेंगे 3, फिर से आप इसके मल्टीप्लाई कीजिए, देन 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 9/2 आ जाएगा। ओके, 9/2 इसको हम ऐड करेंगे, 9/2 -5 ऐड करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9-10। ओके, तो ये आ जाएगा -1/2, फिर से हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4। नाउ 11-3/4, 44-3, यहाँ से आ जाएगा 41/4, और देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 3/2, 41/4 × 3/2, दिस इज 3/123 एंड बाय 8। और इसको हमने करना है दोबारा से ऐड, तो 123/8-7, 123-56/8, 7/6, 67/8 आ जाएगा। ओके, देन ये हमारा रिमाइंडर होता है। अभी हमें बताना था रिमाइंडर एंड क्वेश्चंट, क्वेश्चंट क्या आ जाएगा यहाँ से, ये जो पॉलीनोमियल बनाएंगे हम, यानी इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड पॉलीनोमियल, डिप्रेस्ड इक्वेशन। ये हमारी 4 डिग्री की थी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 डिग्री से, देन क्वेश्चंट लिखोगे आप यहाँ पे, क्वेश्चंट इज 2 × x^3 +3 × x^2 - ½x, एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 67/, क्योंकि हमने डिवाइड करना था 2x-3 से, 2 हमने कॉमन लिया था, हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन किया x-3/2 यानी 3/2 से, तो हमें अब जो क्वेश्चंट आया है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखोगे आप, रियल क्वेश्चंट इज, या फिर एक्चुअल लिख लीजिए, एक्चुअल क्वेश्चंट हाफ, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 2x³ + 3x² - ½x + 41/4, अंदर लेके जाते हैं हाफ को, x³ + 3/2x² - ¼x + 41/8, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म भूल नहीं जाना है कि आप जो कॉमन निकाल रहे हो लास्ट में क्वेश्चंट को आपको उसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट इज x^4, x³ - x² + 1, ये पॉलीनोमियल हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय 3x + 2, यहाँ में भी x का जो कोफिशियंट है वो 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2/3। नाउ x + 2/3 को हम इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, x की वैल्यू आती है -2/3, तो अगर हम इसके सिंथेटिक डिवीजन करते हैं देन हमें लेके चलना है -2/3 से करेंगे, एंड इसके कोफिशियंट 1, 1, -1, 3 के बाद 2, -1, x की टर्म मिस है, वहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म इज एज इट इज़,
वन एज इट इज़ ले लेंगे हम, फिर इस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू बाय थ्री, ओके ऐड करेंगे वन माइनस टू बाय थ्री, थ्री जाल से ये आ जाएगा वन बाय थ्री, देन मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस टू बाय नाइन, ऐड करेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस एडिशन हो जाएगी और नाइन माइनस टू माइनस इलेवन बाय नाइन, ओके ये हम एडिशन कर रहे हैं माइनस वन माइनस टू बाय नाइन एलसीएम लेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स की, प्लस का हो जाएगा ट्वेंटी टू बाय ट्वेंटी सेवन, ओके इसके और इसके मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड ट्वेंटी टू बाय ट्वेंटी सेवन ऐड करेंगे एज इट इज़ नंबर आ जाएगा। अब दोबारा से इसके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन इस वन के जो अंडर टर्म आएगी टू से डिवाइड कर रहे हो फोर्टी फोर बाय एटी वन, टू इंटू ट्वेंटी टू इज अ फोर्टी फोर एंड माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री इज अ एटी वन। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं वन माइनस फोर्टी फोर बाय एटी वन, देन एटी वन माइनस फोर्टी फोर पॉजिटिव रहेगा, देन सेवन एंड सेवन और थ्री थर्टी सेवन बाय एटी वन, दिस इज योर रिमाइंडर एंड क्वेश्चन इज दिस। अब क्योंकि ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो इसको हमें थ्री से भी डिवाइड करना है, अभी क्वेश्चन इज एक्स फोर डिग्री की थी तो क्यू माइनस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन बाय नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी टू बाय ट्वेंटी सेवन। क्वेश्चन टाइम है एक्चुअल क्वेश्चन, हमें इसको थ्री से डिवाइड करना है, थ्री हमने कॉमन निकाला था ना, वन बाय थ्री एक्स क्यू प्लस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन बाय नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी टू बाय ट्वेंटी सेवन। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस वन बाय नाइन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन बाय ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी टू बाय एटी वन, दिस इज योर एक्चुअल क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज थर्टी सेवन बाय एटी वन। क्वेश्चन थ्री इज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस टू। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होती है और एक्स की वैल्यू गिवन है तो आप उसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम एक्स इक्वल टू माइनस टू इसमें पुट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू आ जाती है। सेकेंड मेथड क्या है इसका, लेट एफ ऑफ एक्स, इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस पॉलिनोमियल को हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि सिंथेटिक डिवीजन से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इट्स मीन्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। वैसे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और वैल्यू आ जाती है पॉलिनोमियल की। अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करना है तो देखिए एक्स इक्वल टू माइनस टू दे रखा है तो आप सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड कीजिए, माइनस टू थ्री छः डिग्री की है, फिफ्थ की टर्म मिसिंग, देन फोर की देन थर्ड फिर से मिसिंग है माइनस फोर्टीन वन एंड वन, सिक्स डिग्री की है तो सेवन टर्म आनी चाहिए आपकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, माइनस टू से कीजिए डिवाइड थ्री एज इट इज, देन माइनस सिक्स ऐड करेंगे माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज ट्वेल्व, फोर्टीन माइनस ट्वेंटी एट ऐड करेंगे यही आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फिफ्टी सिक्स, देन फिफ्टी सिक्स माइनस फोर्टीन टू एंड फोर फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय टू से एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस एटी थ्री, और माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रहेगा, वन को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, देन माइनस और माइनस प्लस एंड टू मल्टीप्लाई बाई एटी थ्री इज़ वन सिक्सटी सिक्स, ये आ जाएगा आपके पास वन सिक्सटी सेवन, दिस इज अ रिमाइंडर, ओके। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम
बाय रिमाइंडर थ्योरम. क्या क्या थे रिमाइंडर थ्योरम? इफ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस एच देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एच आ जाती है. ओके, विच इज इक्वल टू रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर के इक्वल होती है. ठीक है, तो एच का मतलब आप जिस भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो, हेयर एच इज अ माइनस टू. यहाँ पे देखेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे ना, तो एक्स इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, एक्स प्लस हो जाएगा, देन इसको हम लिखेंगे. अच्छा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे यहाँ से एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस माइनस टू. तो यहाँ पे जो h की वैल्यू होगी वो माइनस टू होगी, समझ गए? तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस एच से आप एफ एक्स को डिवाइड करते हो, देन इसकी जो वैल्यू आएगी एफ ओफ एक्स की, वो एफ ओफ एच विच इज इक्वल टू आर के इक्वल आएगी. देन यहाँ से देखेंगे वैल्यू ऑफ एफ ओफ एक्स, जो हम पहले में लेके चले हैं, इज इक्वल टू एफ ओफ माइनस टू, माइनस टू पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 167. डायरेक्ट जो रिमाइंडर है वो वैल्यू आ जाएगी. ये निकालते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन. सेम टू सेम आप यहाँ से कर सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और थ्री पे फाइंड आउट करना है, देन सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करोगे, माइनस थ्री कॉफिशेंट लिखेंगे, वन माइनस फाइव टेन माइनस टेन. यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन गिवन है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, वन एच इट इज माइनस थ्री माइनस एट माइनस माइनस प्लस 24 34 माइनस 102 टू वन एंड वन माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33 ये आ जाएगा 34 एंड वन. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देन माइनस माइनस अप्लाई हो जाएगा, देन थ्री वन जीरो टू थ्री ऐड करेंगे, माइनस वन जीरो टू फोर ये आ जाएगा रिमाइंडर. तो रिमाइंडर यहाँ से हमारा क्या आया, रिमाइंडर इज माइनस वन जीरो टू फोर. देन अगर हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यू इसको हम एफ एक्स ले लेते, एफ ओफ एक्स वैल्यू ऑफ एफ ओफ एक्स बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे इसको हम. ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारा आ रहा है. एफ ओफ किस पॉइंट पे निकाला है, माइनस थ्री पे, माइनस थ्री विच इज इक्वल टू रिमाइंडर के, और रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ से, देन एफ ओफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन जीरो टू फोर. ओके, सेम टू सेम आप थ्री से जब डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, थ्री से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, देन एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आ जाएगी जो आपका रिमाइंडर होगा. क्वेश्चन फोर्थ जो सिंपल सिंथेटिक डिवीजन है उसका आप खुद ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ इज फाइंड द क्वेश्चन व्हेन ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. क्वेश्चन निकालना है जब हमें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू से हम इसको डिवाइड करेंगे एंड इसको सॉल्व करना है, मीन्स आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए. लेट जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर. हेयर वी डिवाइड एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. इस एफ एक्स को हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई टू एंड एडिशन इज माइनस थ्री, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू. देन इसके फैक्टर आ जाएंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू. देन इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन. ठीक है, अगर हम एफ एक्स को इससे डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स हम इसके फैक्टर कर लिए इससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू टू एंड वन आएगी, तो हम इससे सिंथेटिक डिवीजन करेंगे,
सबसे पहले हम वन से कर रहे हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पे, एक्स की पावर फोर इज़ वन माइनस टू, स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे माइनस थ्री कोफिशिएंट एट, एंड लास्ट में माइनस फोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन से करेंगे। वन वन कहाँ से लिया हमने, जो इसके फैक्टर किए हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करके देखते हैं, तो एक्स माइनस वन, या फिर आप सीधा कंपेयर कर लीजिए एक्स माइनस ए से। कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू चाहिए होती है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ए की वैल्यू माइनस हो जाती है। चलिए, वन इंटू वन इज वन माइनस वन, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, माइनस वन माइनस फोर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फोर ऐड करेंगे फोर, एंड फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो रिमाइंडर आया हमारा ज़ीरो। नेक्स्ट हमें एक्स इक्वल टू टू, नेक्स्ट फैक्टर इज दिस, देन हम टू से फिर से सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, वन एज इट इज़, वन इंटू टू इज टू, टू इंटू वन इज टू, ऐड करेंगे माइनस टू, एंड टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर, फिर से रिमाइंडर ज़ीरो। हेयर वी कैन सी दैट रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके रूट होंगे, जो इसके रूट मतलब जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वही एफ एक्स के रूट होंगे, समझ गए। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, एक्स इक्वल टू वन एंड टू, देन टू रूट मिल गए हमें किसके, एफ ऑफ एक्स के। क्लियर, नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बनाइए यहाँ से जो आपके पास ये नंबर बचे हैं। स्टार्टिंग में देखिए चार डिग्री की थी, हमने एक बार सिंथेटिक डिवीज़न किया थ्री डिग्री की, देन फिर से सिंथेटिक डिवीज़न किया टू डिग्री की इक्वेशन बनेगी। तो वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे एंड बाकी के दो रूट हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, फैक्टर बना सकते हैं इसके, माइनस प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू, मल्टीप्लाई हमें माइनस टू चाहिए और एडिशन वन चाहिए, तो प्लस टू माइनस एक्स ले लेंगे। ओके, देन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन एंड माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक बार इसको रखोगे, एक बार इस फैक्टर को रखोगे, तो दो रूट तो हमें यहाँ से मिल गए थे एक्स इक्वल टू वन एंड टू, एंड दो रूट हमें इसी क्वेश्चन से मिल गए हैं जो यहाँ से हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाई है। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन बना, यानी कि फोर रूट्स आ गए, इसके जो रूट्स आएंगे एक्स इक्वल टू वन वन माइनस टू एंड टू, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स। इवन दैट माइनस सिक्स इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्व इट। एक रूट आपके पास गिवन है, आपको उसको सॉल्व करना है, मतलब बाकी के रूट फाइंड आउट करने। मैक्सिमम रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज थ्री, तो हम इसके दो रूट फाइंड आउट करने हैं। माइनस सिक्स गिवन है, माइनस सिक्स आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हो, माइनस सिक्स एक्स क्यूब का कोफिशियंट वन टू माइनस सेवनटीन फोर्टी टू, इट इज़ अ कम्प्लीट इक्वेशन बिकॉज सारे टर्म्स इसके अंदर गिवन है। तीन डिग्री की है तो चार टर्म आने चाहिए, फर्स्ट एज इट इज़, वन इज एज इट इज़, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स माइनस फोर, मल्टीप्लाई करो फिर से प्लस का हो जाएगा ट्वेंटी फोर, माइनस करेंगे इज ए सेवन, एंड दिस इज माइनस फोर्टी टू। क्योंकि माइनस सिक्स इसका रूट दे रखा है तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। यहाँ से निकालते डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्यूबिक है तो स्क्वायर में बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टर यहाँ पे शायद बन नहीं सकते, मल्टीप्लाई सेवन होना चाहिए, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए सी ट्वेंटी एट,
डिवाइड बाय 2 है, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, माइनस की टर्म आएगी यहाँ से, माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, एंड इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 12 को हमने 4 इंटू रूट 3 कर लेते हैं, और माइनस रूट इज आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो दो रूट हमारे यहाँ से आ गए, एक हमें गिवन है, देन इट इज कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन 7th, गिवन दैट माइनस 8 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको, माइनस 8 से सिंथेटिक डिवीजन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से आपको सॉल्व करना है माइनस 64, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, सिंथेटिक डिवीजन कीजिए, जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक बनेगी, और वहाँ से क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कीजिए। द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स 4 माइनस 16 एक्स क्यूब प्लस 86 एक्स स्क्वायर माइनस 176 एक्स प्लस 105 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है और कहता है इसको सॉल्व कीजिए, एंड इसके दो रूट दे रखे हैं 1 एंड 7। तो जो इक्वेशन है उसको आप सिंथेटिक डिवीजन कर दीजिए, 1 फर्स्ट रूट हम 1 ले लेते हैं, सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स 4 का कोफिशियंट, एक्स क्यूब का कोफिशियंट, देन स्क्वायर का, देन एक्स, एंड इसके बाद कॉन्स्टेंट, 1 इज एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस 15 एंड माइनस 15 मतलब ऐड करेंगे 1 एंड 7 71, ये माइनस का है फिर से माइनस हो जाएगा 105, एंड ये माइनस का रहेगा बिकॉज ये टर्म माइनस की है, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 105 इज 0, क्योंकि इसका रूट है तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। सेकंड फिर से रूट दे रखा है हमें, 7 है इसका सेकंड रूट, तो 7 से फिर से करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न, 1 एज इट इज़ 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 8 56 माइनस करेंगे 15 एंड 15 7 जो प्लस, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, देन 105 दिस इज़ ऑल्सो 0। तो यहाँ से हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन इज 4 डिग्री की थी, तो यहाँ से क्यूब यहाँ से स्क्वायर, दो बार सिंथेटिक डिवीजन किया देन हम 2 डिग्री कम आ जाएगा, तो स्क्वायर में बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, फैक्टर बन रहे हैं 15 मल्टीप्लाई आना चाहिए 5 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 एक्स कॉमन माइनस 5 माइनस 3 कॉमन एक्स माइनस 5 देन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3 एंड 5, दो रूट हमें गिवन थे, दो हमने फाइंड आउट कर लिए 3 एंड 5, देन सॉल्व करने के लिए बोला, मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फैक्ट्स एफ ऑफ एक्स दे रखा है एज ए पॉलिनोमियल ऑफ द पावर x माइनस 3, लेक्चर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एग्जांपल हमने किया था एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है दिस पॉलिनोमियल और इसको x माइनस 3 की पावर में लिखना है, देन लेट एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं x माइनस 3 की पावर में चाहिए a1 वन इंटू एक्स माइनस 3 क्यूबिक है तो हम क्यूब लेके चलेंगे, a2 टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर a3 थ्री एक्स माइनस 3 पावर 1 प्लस a4 फोर एक्स माइनस 3 रेज टू पावर 0 1 हो जाता है। नाउ हमें क्या करना होता है, एफ एक्स जो पॉलिनोमियल गिवन है दिस इज, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3 से, 3 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, दिस इज अ 2 1 माइनस 7 माइनस 6 2 एज इट इज 6 7 आ जाएगा, देन 21 मल्टीप्लाई किया हमने, एडिशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 देन एंड दिस इज अ रिमाइंडर 42। ठीक है, फर्स्ट रिमाइंडर इज दिस, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न इज़
थ्री से फिर से डिवाइड करेंगे, टू को एज इट इज़ ले लीजिए, थ्री टू जा सिक्स, थर्टीन थ्री थर्टीन थ्री जा 39, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 and 5 55. थ्री से फिर से करते हैं डिवाइड, टू एज इट इज़ थ्री, यहाँ पे 6 19 दिस, एंड फिर से डिवाइड करेंगे देन टू एज इट इज़. देन हमें क्या लेके चलना है यहाँ से, कांस्टेंट a1 a2 a3 a4. कैसे बताया था हमने, जो लास्ट वाला कांस्टेंट हमें गिवन है दिस इज a1, ये हम लेके चलेंगे a1. नेक्स्ट इज a2, जो भी रिमाइंडर बचते जाएंगे उनको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे a3 a4. वैल्यू मिल गई सारे कांस्टेंट्स की, यहाँ पे पुट कर लेते हैं. दे आर फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a1 की वैल्यू रखेंगे 2 एक्स माइनस 3 क्यू प्लस a2 इज 19 एक्स माइनस 3 स्क्वायर, a क्यूब इज 55 एक्स माइनस 3 प्लस a4 यानी कि 42. देन दिस पॉलीनोमियल इन द पावर ऑफ x माइनस 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट x माइनस 3 एंड x माइनस 1 मे एग्जैक्टली डिवाइड दिस एक्सप्रेशन, यानी कि x माइनस 3 एंड x माइनस 1 एग्जैक्टली डिवाइड करें, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 एंड 3, ये अगर सिंथेटिक डिवीजन करते हैं देन एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे मीन्स रिमाइंडर इज 0. देन बाय सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 1 से पावर 4 दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है 2x^4 एंड 7x^4 में मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये 3 पावर है एंड दिस इज़ अ 4 पावर. ठीक है, देन x 4 की डिग्री की है तो 2 माइनस 7, स्क्वायर की टर्म मिस है 0 आ जाएगा, x का कोफिशियंट a एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज़ b. 2 एज इट इज़ 3 टू जा इज़ अ 6 माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 3 एड करेंगे तो देन माइनस 9 एंड a माइनस 9 एंड 3 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 a माइनस 27 एंड इसको ऐड कीजिए 3 a प्लस b माइनस 27 रिमाइंडर फर्स्ट. फर्स्ट रिमाइंडर मीन्स हमने जब 3 से डिवाइड किया ये रिमाइंडर आया हमारा. नेक्स्ट हम 1 से डिवाइड करते हैं, 2 एज इट इज़ 1 टू जो 2 देन 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 a माइनस 11. ठीक है, दिस इज रिमाइंडर सेकेंड r2. बिकॉज x माइनस 1 एंड x माइनस 3 दीज टू फैक्टर्स आर एग्जैक्टली डिवाइड द पॉलीनोमियल fx, इसको हम fx ले लेते. देयरफॉर r1 एंड r2 मस्ट बी 0. जो रिमाइंडर आए हैं r1 एंड r2 इनको 0 होना पड़ेगा. देन 3a प्लस बी माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड a माइनस 11 इक्वल टू 0. देन a की वैल्यू आ जाएगी 11, a की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 33 प्लस बी इक्वल टू माइनस 27 ले लीजिए यहाँ पे. इसको सॉल्व करेंगे 33 माइनस 27 सिक्स आएगा, इधर जाके राइट हैंड साइड पर जाके माइनस 6 हो जाएगा. देखिए 7.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है मैं आपको बताती हूँ, ये आपको अच्छे से समझ लेने एंड रिमेंबर कर लेने. फर्स्ट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा. बाय नेम कई बार छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा क्या होता है, फिर एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा क्या होता है. एवरी पॉलीनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री एंड एन की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है, हैज़ एट लीस्ट 1 रूट रियल और इमेजिनरी. दैट मीन्स कहता है कि अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन है अगर वो 1 डिग्री की है तो उसका कम से कम एक रूट जरूर होगा, अगर 2 डिग्री की है या उस एक से ज़्यादा का मतलब
जो एन आपके पास पॉजिटिव नंबर है इससे बड़ी कितने भी डिग्री की हो सकती है, एन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है या तो वन होगी या वन से ज़्यादा होगी, तो उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर आएगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सेकेंड है, एवरी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ एन डिग्री, एफ एक्स की जो इक्वेशन है वो एन डिग्री की ले रखी है हमने, हैज़ एन रूट्स एंड नो मोर। मीन्स अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके n रूट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, तो इसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एग्जैक्टली टू रूट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, यानी थ्री रूट नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन आ जाती है कि टू डिग्री की इक्वेशन है और रूट हमारी तीन आ रहे हैं, मीन्स एक्स की तीन वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, उस कंडीशन में हम इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट में आ भी जाता है, द एन एन एफ डिग्री इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन एन वैल्यूज ऑफ एक्स, देन ऑल द कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स वैनिश। दैट मीन्स जैसे हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं एन डिग्री की इक्वेशन, क्या लेके चलते हैं, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेज टू पावर जीरो। ये हमारी एन डिग्री की इक्वेशन है। हम कह रहे हैं कि सेकेंड रिजल्ट तो ये कहता है कि अगर जितने भी डिग्री की इक्वेशन होगी उसके इतने ही रूट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसके रूट ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, एन रूट आ सकते हैं, यानी एन वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। इस एक्स के प्लेस पे रखेंगे तो इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, थर्ड में कहता है कि अगर एन प्लस वन वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाती हैं, एन वैल्यू तो करेंगी करेंगी बिकॉज एन इसके रूट होंगे और रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर एन प्लस वन वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, इम्प्लाइज दैट अगर ऐसी कंडीशन आती है देन ऑल द कोफिशियंट्स ए नॉट ए वन ए टू प्लस अप टू जो अप टू सो ऑन ए एन, सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल। कब होंगे, जब एन डिग्री की इक्वेशन को एन प्लस वन वैल्यूज सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब अगर थ्री डिग्री की इक्वेशन है और रूट हमारे चार निकल जाए, मीन्स एक्स के चार वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाए, वो कब पॉसिबल होगा, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि थ्री डिग्री के तो तीन ही रूट आएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि चार वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स उसके जो कोफिशियंट होंगे ना वो सारे इक्वल टू जीरो आ जाएंगे, एंड इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। फोर्थ इज इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशियंट, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं रियल कोफिशियंट में, मीन्स ए वन ए नॉट ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन, दीज आर द रियल नंबर्स, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। भी इसने कहा कि कोफिशियंट तो आपके रियल होंगे, ए नॉट ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन, ये रियल कोफिशियंट दे रखे हैं, अगर इसके इमेजिनरी रूट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके आपके पास इमेजिनरी रूट आएंगे। कहता है कि अगर इमेजिनरी रूट आते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं, दैट मीन्स अगर किसी भी क्वेश्चन का एक इमेजिनरी रूट आ जाता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा रूट डेफिनेटली अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगा। समझ गए, जो कंजुगेट पेयर का मतलब होता है कि पेयर तो हो गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस कंजुगेट का मतलब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो आयोटा जो वाली जो टर्म होती है वो साइन चेंज कर लेती है, तो अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा गिवन है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा डेफिनेटली उसका रूट मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं। फिफ्थ इज एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, हमने कहा कि जो इक्वेशन दी वो ऑड डिग्री की है, रियल कोफिशियंट हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एन की वैल्यू हम ले लेते हैं फाइव, ठीक है, तो ये कहता है कि इसका कम से कम एक रूट रियल होगा। क्यों होगा, मान लीजिए कि इसके इमेजिनरी रूट आ जाते हैं, तो इमेजिनरी रूट आएंगे तो कंजुगेट पेयर में आते हैं, मीन्स एक रूट मैंने ले लिया अल्फा वन प्लस आयोटा बीटा वन इसका, और एक ले लिया अल्फा टू प्लस आयोटा बीटा टू। हमें एन डिग्री की क्वेश्चन है, सॉरी पाँच डिग्री की क्वेश्चन है, और हमें ये पता है कि इसके ये दो रूट है जो कि इमेजिनरी है।
अगर ये इसका रूट है तो फोर्थ रिजल्ट से कंजुगेट पेयर में होते हैं, दैट मीन्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा वन भी इसका रूट होगा एंड अल्फा टू माइनस आयोटा बीटा टू भी इसका रूट होगा। दैट मीन्स चार रूट मिल गए हमें, तो एक रूट डेफिनेटली रियल होगा, बिकॉज अगर वो भी इमेजिनरी हुआ पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो भी इमेजिनरी हुआ तो उसका कंजुगेट पेयर आएगा, उसका मतलब छः रूट बन जाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ओड डिग्री की इक्वेशन है वहाँ पे कम से कम एक रियल रूट आपको जरूर मिल सकता है। लास्ट रिजल्ट इज इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशेंट। रैशनल कोफिशेंट मतलब ए नॉट ए वन ए टू अगर आपके पास आ जाते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, ठीक है, रैशनल कोफिशेंट अगर हो ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सॉन ए एन पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, देन इरेशनल रूट अकर इन कंजुगेट पेयर। इरेशनल रूट का मतलब अल्फा प्लस रूट बी बीटा इस टाइप से आ जाते हैं। अंडर रूट बीटा जैसे कि ले लीजिए टू प्लस रूट फाइव, फाइव का जो हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, देन इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये कहता है कि अगर कोफिशियंट रैशनल है देन इसके इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर में होते हैं। दैट मीन्स अगर किसी इक्वेशन का रूट टू प्लस रूट फाइव है देन टू माइनस रूट फाइव इज ऑल्सो रूट ऑफ दैट इक्वेशन, समझ गए। अगर टू मान लीजिए आपके पास दे रखा है अल्फा माइनस रूट बीटा, ये रूट दे रखा है इक्वेशन का, देन अल्फा प्लस रूट बीटा भी उस इक्वेशन का रूट मिलेगा। इसलिए जो इरेशनल रूट्स हैं वो भी कंजुगेट पेयर में आते हैं और जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो भी कंजुगेट पेयर में आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज के। फॉर्म एन इक्वेशन हुज वन रूट इज टू माइनस थ्री आयोटा, मीन्स x इक्वल टू टू माइनस थ्री आयोटा। आपके पास एक रूट गिवन है और आपको इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है, तब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्योंकि ये इमेजिनरी रूट है देन टू प्लस थ्री आयोटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है, तो आपको दो रूट मिल जाते हैं और आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इजीली। कैसे करते हैं, अगर अल्फा एंड बीटा दो रूट होते हैं इक्वेशन के देन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन होती है। ओके, देन x माइनस टू माइनस रूट थ्री टू माइनस थ्री आयोटा एंड x माइनस टू प्लस थ्री आयोटा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड आपके पास है x माइनस टू, टू को इधर ले आइए, इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा, हमें आयोटा को यहाँ से जो रिमूव करना है। कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर करते हैं देन एक्स माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर। ओपन कीजिए आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जो माइनस का स्क्वायर इज प्लस नाइन और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, एक्स माइनस एक रूट हमें मिल गया टू माइनस थ्री आयोटा, क्योंकि अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं, मीन्स टू प्लस थ्री आयोटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा। तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा इज अ वन रूट टू माइनस थ्री आयोटा एंड सेकेंड इज एक्स माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारी यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी कर सकते हैं, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स माइनस टू ये माइनस ओपन कर लीजिए प्लस थ्री आयोटा और इसको मैं इकट्ठा ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू माइनस थ्री आयोटा और यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा ले लिया इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ए प्लस ए माइनस बी की, तो यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स थ्री आयोटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आपके पास वही रिजल्ट आएगा प्लस फोर थ्री थ्री जो नाइन, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस बना देगा, यही क्वेश्चन आ जाएगी। एग्जाम्पल सेकेंड इज फॉर्म एन इक्वेशन विद द रैशनल कोफिशियंट हुज रूट्स आर एक्स वन प्लस फाइव आयोटा एंड वन माइनस फाइव आयोटा, बिकॉज इमेजिनरी रूट
रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर, देयरफॉर वन माइनस फाइव आयोटा, यानी कि इसका कंजुगेट पेयर वन माइनस फाइव आयोटा बनेगा एंड इसका बनेगा वन प्लस फाइव आयोटा। एंड यहाँ दे रखा है फाइव माइनस आयोटा, इसको ठीक कर लेना, फाइव माइनस आयोटा गिवन है, ओके। देन इसका कंजुगेट पेयर आ जाएगा फाइव प्लस आयोटा, ओके। दिस एंड दिस आर ऑल्सो रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी रूट होंगे एंड ये भी रूट। देयरफॉर अभी इसी मेथड से हम निकाल लेते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे दो रूट थे यहाँ पे चार रूट है। देन एक्स माइनस वन प्लस फाइव आयोटा, इसका कंजुगेट पेयर लेते हैं वन माइनस फाइव आयोटा। नेक्स्ट इज एक्स माइनस फाइव माइनस आयोटा एंड नेक्स्ट इज एक्स माइनस फाइव प्लस आयोटा इक्वल टू ज़ीरो। समझ गए, चार रूट है एक्स माइनस फर्स्ट रूट एक्स माइनस सेकेंड रूट इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट इंटू एक्स माइनस फोर्थ रूट, ये हमारी क्वेश्चन आ जाती है। इसको सॉल्व ऐसे ही करना है, एक्स माइनस वन ओपन कर लीजिए माइनस माइनस फाइव आयोटा एंड एक्स माइनस वन को आप एक फैक्टर यानी रियल फैक्टर जो होते हैं उसको आप अलग कर लीजिए, इमेजिनरी अलग कर लीजिए। सेम टू सेम यहाँ से करेंगे एक्स माइनस वन प्लस फाइव आयोटा, इसको भी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कीजिए। एक्स माइनस फाइव माइनस ओपन करेंगे प्लस आयोटा हो जाएगा एंड यहाँ से एक्स माइनस फाइव माइनस आयोटा, ओके। दोनों फैक्टर्स पे आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस फाइव आयोटा स्क्वायर। समझ गए, ये हमारा फैक्टर ए हो जाएगा एंड ये बी हो जाएगा, सेम टू सेम ये ए एंड दिस इज बी, ऐसे ही हमारा ये सेम है यहाँ से, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एंड यहाँ से ब्रैकेट चल रही है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ये मल्टीप्लाई होकर आपस में ये बन गया, यहाँ से ब्रैकेट सेकंड की शुरू हो जाएगी एक्स माइनस फाइव स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स एंड यहाँ से ओपन करेंगे आयोटा स्क्वायर इज अ माइनस वन, माइनस माइनस इज अ प्लस ट्वेंटी फाइव। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन एक्स, आयोटा स्क्वायर इज वन माइनस वन प्लस हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 26 प्लस 25 प्लस वन इज 26, यहाँ से भी 26, देन आप इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड इज फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विद द रियल एंड रैशनल कोफिशेंट वन ऑफ इट्स रूट बींग रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस आयोटा। ये एक रूट आपको गिवन है और आपको इससे इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। देन एक्स इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस आयोटा, ये टर्म आपको गिवन है, एक रूट ले लिया हमने, अब इससे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। देन क्योंकि हम यहाँ से स्क्वायर भी जो रिमूव करना पड़ेगा और आयोटा भी रिमूव करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम एक्स माइनस आयोटा, आयोटा को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, रूट टू प्लस रूट थ्री, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर होता है और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस टू एक्स आयोटा इक्वल टू रूट टू स्क्वायर करोगे तो टू प्लस थ्री रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री प्लस टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स आयोटा इक्वल टू फाइव प्लस टू रूट सिक्स, ठीक है। रूट को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर फाइव को इधर लेके आएंगे माइनस सिक्स हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं प्लस का हो जाएगा टू रूट सिक्स। नाउ फिर से स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा से स्क्वायर कर लेते हैं, देन यहाँ से आ जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर माइनस प्लस 36 माइनस 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करोगे 4 एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस, इसका स्क्वायर करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6
24 प्लस 2 इंटू 2 से 4 एंड 2 जो एंटी का आएगा 8 रूट 6 एक्स इंटू आयोटा। नब देखिए इनके पास ना तो रूट है ना ही आयोटा की टर्म है, देन इसको हम फिर से इधर शिफ्ट कर लेते हैं x की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा एंड इधर हमारे पास प्लस 36 है एंड ये इधर आगे नेगेटिव इक्वल टू इधर टर्म रह जाएगी राइट हैंड साइड पे 8 रूट 6 एक्स आयोटा। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस करेंगे 2 एंड 1 12 आ जाएगा इक्वल टू 8 रूट 6 एक्स आयोटा। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, जो तीन टर्म्स का स्क्वायर है कैसे करते हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि इसकी 8 पावर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 64 एक्स की पावर 4 एंड थर्ड टर्म इज 12 का स्क्वायर इज 144 देन 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टू टर्म्स, ये माइनस की है तो माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ये आ जाएगा 8 दोनी 16 एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 2 इज ऐड हो जाएंगी पावर्स, सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से माइनस ये आ जाएगा 16 एंड 12 की मल्टीप्लाई देन 9 एंड 1 192 एंड एक्स स्क्वायर देन फर्स्ट और लास्ट की करते हैं, दिस इज प्लस 24 एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको देख लेना कैलकुलेशन को, इसमें जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही मैं यहाँ लिख देती हूँ ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर ओपन करेंगे देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मान लो कि इसमें से कोई टर्म माइनस की आ जाती है, अगर ये माइनस की हो तो जिसके पास भी बी मल्टीप्लाई है वो टर्म माइनस की हो जाएगी, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस माइनस एंड ए इंटू बी की माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस, इस तरह से ओपन करना है आपको एंड इक्वल टू पे जो चल रहा है 8 का स्क्वायर इज 64 मल्टीप्लाई रूट 6 इज 6 एंड एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 देन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कंप्लीट आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाइए उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉल्व द इक्वेशन दिस इट बीइंग गिवन दैट वन ऑफ इट्स रूट इज दिस, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका एक रूट हमें गिवन है, सॉल्व का मतलब आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए माइनस 2 प्लस रूट 3 कैसा रूट है, इरेशनल। ओके, और अभी हमने पढ़ा था कि इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर में अकर होते हैं, दैट मीन्स माइनस 2 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों से इक्वेशन बनाऊंगी, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली डिवाइड एफ ऑफ एक्स, इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं जो इक्वेशन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है, तो यहाँ से हम एक और इक्वेशन बनाते हैं एक्स माइनस माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस रूट 3, इन दोनों को फिर से इकट्ठा कर लेंगे एक्स प्लस 2 यहाँ पे प्लस रूट 3 आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये किससे आई है, जो हमारे जो एफ एक्स इक्वेशन दे रखे इसके रूट्स से हमने ये इक्वेशन बनाई है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिवाइड जो इक्वेशन गिवन आपको एफ ऑफ एक्स।
एफ ऑफ एक्स को जो है डिवाइड करेगी। एफ ऑफ एक्स हमने लिया है ये इक्वेशन जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इससे डिवाइड करेंगे जो गिवन इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर फाइव फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस, देन इसको हम डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, कोशेंट जो इसका आंसर आएगा ये आपके पास बोल्डर में लाएगी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये कोशेंट आ जाएगा और इससे हम सॉल्व करके इसके बाकी के दो रूट या तीन रूट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन दे रखी है फाइव डिग्री की, आपको एक रूट गिवन है, इरेशनल रूट है तो कंजुगेट पेयर में आएगा, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि इसके रूट से हमने इक्वेशन बनाई है तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। दैट मीन्स जो इसका आंसर आएगा वहाँ से हम सॉल्व करके इसके थ्री रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करके इसके तीन रूट फाइंड आउट करते हैं। क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैक्स को वन पुट करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू फाइव एंड फाइव इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, इसको वन ले लेते हैं फैक्टर ऑफ इक्वेशन वन। सिंथेटिक डिवीजन करते हैं वन से, वन माइनस थ्री फोर माइनस टू, वन एज इट इज वन माइनस टू माइनस टू एंड टू एंड टू जीरो, डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी यहाँ से, क्वालिटी की निकल गया आएगी माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर, फैक्टर तो बन नहीं रहे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, दिस इज इक्वल टू टू प्लस माइनस दिस इज माइनस फोर बाय टू, देन टू प्लस माइनस टू आयटा बाय टू, टू कॉमन निकाल के काट देंगे तो वन प्लस आयटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, टोटल इस कंप्लीट रूट इसके एक रूट हमें गिवन था माइनस टू प्लस रूट थ्री, सेकेंड रूट क्योंकि इरेशनल है माइनस रूट थ्री हो गया, थर्ड रूट हमने यहाँ से निकाल लिया कि एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स वन इज ऑल्सो इट्स रूट, फिर हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में चेंज किया, यहाँ से हमने दो रूट और फाइंड आउट किए वन प्लस आयटा वन माइनस आयटा, दीज आर द फाइव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप यहाँ तक आपके जो चार एग्जाम्पल हो गए, दो तीन एग्जाम्पल हो रहे थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।